तो और भाई लोग कैसे हो? तो भाई लोग, आज मैं डू खेलने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं मिलिट्री जा रहा था, तभी वहाँ पे एक बंदा था कोई टाइगर नाम का, जिसका प्लेन आता है। तो वो लोग चैलेंज करने लगते हैं कि भाई यहाँ मिलिट्री पे आ जाओ। बक्तावर तो अभी आप देखना, टाइगर, हेलो ये टाइगर, सब चैलेंज करने लगते हैं अभी कि मिलिट्री पे आ जाओ। तो मैं तो जाने वाला था वैसे आजा जॉर्जो, लेकिन जॉर्जो फिर चैलेंज मिलिट्री करता है तो भाई अब इज्जत का सवाल है, तब तो जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं जरा। एनसीसी नाम तो भाई यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ जैसे ही, और मुझे मिलती है शॉर्ट गन। अभी शॉर्ट गन से तो काम नहीं चलने वाला भैया, चैलेंज हुआ है। तो भैया नीचे से फटाक से आते हैं और यहाँ से थोड़ा गन वन लूटते हैं, कोई मस्त गन मिल जाए यार, तो फिर चलते हैं फाइट करने। तो भाई थोड़ी बात देर बाद मैं जैसे गन लेता हूँ, यहाँ पे देखो टाइगर की पेटी बन चुकी है। जो मोस्ट आरपी वाला बंदा था हमारा, टॉप आरपी का, उसकी पीटी बना दी किसी और ने। तो भैया सामने से फुट स्टेप आ रही थी मुझे दो बंदों की, तो अब देखो कैसे मारता हूँ। तो भैया अब ये नॉक हो चुका है, तो अब सीधे कुछ रश कर देंगे, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो भैया जैसे ही रश करते हैं, तो मुझे पता था कि ये बंदा ज़रूर यहाँ पे रिवाइव दे रहा होगा, इसलिए मैं सीधे छूट रहा था। और ये देखो भैया रिवाइव दे रहे थे, चाचा को पता भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसे भैया मत किया करो। अब इसके बाद अब सामने बिल्डिंग में और दो बंदे आ जाते हैं। अभी देखिए एक फुट स्टेप आने लगती है, ये रहे। तो अब इनका भी जुगाड़ करना पड़ेगा इनको मारने के लिए। लेकिन भैया बहुत ढीठ बंदे रहते हैं ये, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खुद ही आ जाते हैं। देखो सुपरमैन की तरह भी आएंगे लोग बम बम उड़ा करते हुए। तो ये तो नेड़ वेड़ मार रहे हैं लोग आने में, इतने कॉन्फिडेंस में आए थे ये कि मतलब मार ही देंगे, पता नहीं क्या ब्रह्मास्त्र लेके आए थे ऐसा लग रहा था। चाचा ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे रखा है गंदा। अब HP देखो मेरी, इतने में दूसरे भी भाई साहब आ जाते हैं इनके दोस्त, तब इनको देखो कैसे मारते हैं इतनी HP में। ये देखो ये रेंज रहते भाई, ये कन्फ्यूज़ कर रहा था तो मैंने इसकी पेटी बना दी, फिर दो दो फुटप्रिंट आते हैं। अब ये आ रहे भाई साहब, अब इनका देखो ऑटो पिकअप लगा हुआ है, अब इनकी भी पेटी जैसे तैसे बना ही देते हैं भैया। अब देखो इतनी कम HP मारा है भाई, तो लाइक तो कर ही दो यार। तो अब देखते हैं दूसरे बंदे भैया, तो अब सामने ये देखो यहाँ पे भी ये दो बंदे हैं यहाँ पे। तो भैया मैं थोड़ा दारू की बोतल वोतल फोड़ता हूँ कि शायद मर जाए क्या पता। तो भाई इससे कोई काम नहीं होने वाला अपना, कुछ नहीं होता है, बंदे बड़े ढीठ रहते हैं। तो भैया हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंग की मार के चलते हैं, अब क्या ही किया जाए, रश करते हैं बंदे तो आने से रहे। तो अब जैसे ही आ जाता हूँ, अब देखना बहुत ही गलत सीन होने वाला है। अब मुझे लगता है बंदा इधर, लेकिन ये इधर सामने तो ये छत पे मेरे छत पे खड़े थे। अब ये जो बंदा था थॉर नाम से, ये भाई बहुत लोग की पीटी बना चुका था ये बंदा। अब ये देखो ये सामने से आ रहे, अब इनको लगता है कि मतलब आके मार ही देंगे। अब इनको ये नहीं पता कि बंदा TPP ले रहा होगा, लेकिन ये आ जाते हैं क्या ये भी नॉक। लेकिन ये दूसरे स्क्वाड का, दूसरे मतलब डुओ का रहता है ये, सेम उसी का नहीं रहता जिसको भी मैंने मारा था थॉर नाम से, क्योंकि ये भी नॉक हुआ रहता है। तो अब इसके तो बंदे तो नहीं मिलते यहाँ पे मुझे, तो इसका थोड़ा लूटा लाडी करके पेटी वेटी लेके चल जाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखना मुझे गाड़ी दिखती है एक, तो उसको मैं थोड़ा फायर करता हूँ, लेकिन वो भाग जाता है ड्रॉप पे। तो अब देखो क्या करते हैं। अब ये जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ देखना अभी धूम 4 की शूटिंग हो रही है। देखो कार वार उछाली जा रही है, लग रहा है रोहित शेट्टी आ चुका है यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए भाई साहब आ रहे हैं, अब इनके देखने हवे में कैसे उड़ाते हैं ये, अब इनको हम हवे में उड़ाएंगे। और भैया की पीटी बनने वाली है, नॉक हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा आगे आगे यहाँ पे नेट वेट करता हूँ कि शायद देखते हैं बंदा मर बढ़ जाए, लेकिन पता नहीं कहाँ भैया ड्रिंक चले गए। ये रहते तो उनकी पेटी बनाता हूँ, और सामने इनका बंदा रहता है, ये देखो स्नेक बने हुए हैं। तो भैया स्नेक बन लो चाहे जो बन लो, कला हमको भी आती है स्नेक बनने की, ठीक है, तो हमें भी मारना आता है। तो बंदे बंदे की तलाश करने के लिए यहाँ पे शेल्टर पे आता हूँ मैं। तो ये देखो ये भाई साहब भाग रहे हैं, लेकिन इनको सीट भी चेंज करके मैं मारता हूँ, लेकिन भाग लेते हैं भाई साहब, तो क्या गाड़ी लगा लेंगे पीछे।
तब इनसे जाते इनके पीछे पीछे, कहाँ पर जाते हैं भैया। तो अब ये देखो यहाँ पे इनकी यूएसी खड़ी है सामने, तो मैं समझ जाता हूँ यहीं पे होंगे भाई। तो यहाँ जाता है भैया, दो लोगों के फुटप्रिंट आती है, तो भैया हमारी तो लग जाती है चौक, कहीं फंसा तो नहीं दिया। लेकिन ये देखो नीचे बैठ कर नेट कर रहे थे पता नहीं कहाँ, और ये अकेला था, मतलब ऊपर वाला दूसरा है, सेम टीम के नहीं है। तब इनको देखो नेट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे नूप पना जो है दिख जाएगा अभी आपको यहाँ पे। ये देखो भैया नीचे ही नेट आ गया। तब इनको दूसरी टेक्निक से मारेंगे। तब ये दारू की बोतल जैसे ही निकालता हूँ मैं कि लाओ इसे मारें अब, लेकिन नूप पना नहीं करेंगे भैया, प्रो की तरह मारेंगे एकदम प्रो प्लेयर। तो देख लो जीने तक की आग लगी है। अब ये खलबला आ जाते हैं, कहाँ करें, नेट कर देते हैं बाबू। लेकिन अब देखो इनके लगी है आग, अभी नीचे आएंगे ज़रूर। ये देखो आग है, तब दो गोलियाँ खाएंगे अभी, ये बन गई पेटी इनकी। तो मैं यहाँ पे पेटी वेटी लूट के यहाँ इस घर में आ जाता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे बंदा है, और यहीं पे ड्रॉप भी था, तो ड्रॉप लूट लेता हूँ भाई। तो देखो सामने बंदा है घर में, गिली सूट लपेट के बैठा है। अब देखो हरियाली वाली है स्नेक। तो अब इनको मैं मारने की कोशिश तो करता हूँ भैया, लेकिन रहता है मेरे पास 3x, तो भी मारते हैं। लेकिन भैया M24 चला रहे थे, तो तगड़ा डैमेज देते हैं मेरे को। तो हम कहते हैं भैया लाओ थोड़ा हील वील कर लें, इनसे बाद में निपटेंगे। और उसके बाद यहाँ से मेरे को आ रही थी शूटिंग की आवाज़ें आ रही थी। तो अब देखो यहाँ भी बंदा है यहाँ पर, ये रहा। तो इसको भैया एक बॉडी शॉट तो पड़ता है, लेकिन इसके बाद भैया पता नहीं कहाँ लुक जाते हैं पेड़ के पीछे, और एक गाड़ी और जाती है। तभी जो बंदा है ना भाई, बहुत इधर दो तीन लोग को तो पेटी बना ही देता है उधर। तो लेकिन मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जोन आ रहा है। अब ये जो नागिन थी हमारी हरी भरी नागिन, अब ये कूदेगी। अरे तो कूद के जा रही है, इसका दूसरा टीममेट है, वाला भी कूद चुका है। तब ये देखो नागिन निकली, अब इसको हम मारेंगे भैया। अब इनका तो नॉक हो गए, घुटने पर आ गए ये। तब ये देखो गाय निकली है, तो बछड़ा भी आएगा। तब उसी बछड़े के चक्कर में हम हैं, जैसे ही बछड़ा आएगा इसके भी पेटी बना देंगे। देखो इनके तो भैया आउट ऑफ जोन ही पेटी बन जाएगी। अब तो अब भाई इसकी देखना नूपना, देखो हद है नूपने की। अब जोन आ रहा है, लेकिन ये भाई साहब जाएंगे जोन में, उसकी हरियाली जो है लूटने जाएंगे। देखो हरा भरा सूट ले लेने गए थे, लेकिन भैया खुद ही हरे भरे हो गए। तो भैया इनको मार के चलते हैं उस बंदों के पास, क्योंकि उधर कहर मचाए पड़ा है, दो तीन की तो पेटी बना चुका है। तब इसी चलते हैं मारने। तब यहाँ पे आता हूँ मैं, थोड़ा ढूंढता हूँ कि कहीं तो होगा, लेकिन भाई साहब कहीं दिखते ही नहीं, अदृश्य हो चुके हैं। तो अब इनको काफ़ी ढूंढते हैं यहाँ घुमा के, आगे भी नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं कहाँ। ऐसे ऐसे तो स्नेक बन जाते हैं भाई, कोबरा ओबरा सब फेल इनके सामने, हाथ पैर जोड़ते हैं भाई कि तुम क्या ही स्नेक बनते हो। इतना तो खेत में भी स्नेक जो मिल जाते हैं आराम से लेटे हुए, लेकिन ये जो पबजी के स्नेक हैं मिलने से रहे। तो भैया नहीं मिलने वाले ये, और उतनी देर में हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म। तो हमारी धन्नो बोलती है नॉट इनफ फ्यूल, तो हमको उतरना पड़ेगा। वो भी ऐसी जगह उतरे कि जोन बीच में पड़ा है। अब देखो भाई क्या होता है। तो उसको एडवांटेज मिल चुकी है भैया, अब हम भी जाना पड़ेगा। ठीक, तभी इसमें आके हम सैग में थोड़ा बैठते बैठते हैं भैया, कि देखें यहाँ से एंगल मिल जाएगा, कवर भी मिलेगा, और पता चलेगा कहाँ पर बंदा है। मार तो नहीं पाऊँगा, लेकिन पता तो चल जाएगा कहाँ पे है। तो अब देखो ये दिख नहीं रहा है, अब ये मैं समझ गया था कि सामने ही पे है कहीं पे। तो हम निकलते हैं इसको मारने के लिए। देखो नेड़ वेड़ कर रहा है, नेड़ ही से फोड़ देंगे हमको ये चिकन डिनर करने के लिए। तो मैं इसे फ्री फायर देने लगता हूँ, कहीं तो होगा पड़ेगा ही। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या करते हैं यार, कैसे ही नागिन के इनके पड़ी नहीं रही कहीं से भी, पता नहीं क्या खाए बैठे हैं। अब ये जोन भी हमारे देखो दुश्मनी है भैया, जोन से हमेशा भगाता है। देखो इनको फ़ायदा मिल गया, ये टुचुर टुचुर मार रहे हैं हमको। अब भाई ये बंदा इतना नेट करेगा ना, कम से कम से पागल हो जाओगे। अभी नेट भी नेट, एक नेट पहले ही फेंका देखेंगे, अभी और भी नेट फेंकेंगे चाचा। हमारे पास नेट रहता नहीं, नहीं तो हम भी दो तीन मार के देखते भैया पड़ती है तो शायद। ये देखो एक मारा इन्होंने, डैमेज भी मिला मुझे। तो भैया इनको इन्हीं के चाल से मारेंगे, क्योंकि उठना मतलब मौत को बुलावा देना है।
तभी को नागिन बन गई। अब ये झाड़ियों में दिखते हैं लोटा वोटा लेके। अभी देखना डीसी हमने आग ही फेंकी, अब ये लोटा लेके जाएंगे झाड़ियों में बुझाने के लिए आग। अगले हो गई लंका दहन इनकी। तो भैया अब मिलेगा तुमको मुर्गा भोजन, यानी मुर्गा खाने को मिलेगा। तो भाई यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है यार, खास करके एडिटिंग में। तो भाई सब्सक्राइब कर दे यार।